तो काफी टाइम से लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि आप जो है अजमेर शरीफ का पूरा बताएं कि वहाँ पर लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू कैसे चल रहा है। तो इस वक्त जो है 7:45 का टाइम है और मैंने अपनी ये शॉप जो छोटी मोटी शॉप है, आपको सामने दुकान दिख रही होगी केविन, इसमें मैं दिन भर काम करता हूँ और उसके बाद में अब शॉप बढ़ाकर हम जब घर की तरफ जा रहे हैं तो उसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप वीडियो पर अगर आ गए तो वीडियो पर बने रहें ताकि आपको अजमेर का क्या हलचल चल रही है मैं आपको दिखा सकूँगा। तो चलते हैं और हम जो है डाइनिंग के झोपड़े के पास तक की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें। तो वैसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आपके अजमेर शरीफ में जो है नाइट कर्फ्यू चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसी के माध्यम चलते हुए मैंने जो है आपके ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि जितना भी अजमेर में भी यहाँ पर चल है कर्फ्यू, लॉकडाउन चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, उसी की वीडियो में ये वक्त जो है लगभग 7:45 का है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टोटल जो है मार्केट बंद होने जा रही है धीरे धीरे, यहाँ पर 7:00 तक लगभग पूरा मार्केट ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अभी जितने भी हैं वो दुकानदार लोग हैं जो कि आवक जावक दिख रही है गाड़ियों पर टू व्हीलर पर, ये सब अपने अपने काम धंधे और दुकानें बढ़ाकर अपने अपने घर जा रहे हैं, मगर यहाँ पर जितने भी जायरीन हैं मेहमान हैं वो अपने अपने गेस्ट हाउसों में और अपने अपने रूमों में जा चुके हैं। इसीलिए रोड पे बिल्कुल सन्नाटा इस वक्त और ये कब तक चलेगा इसका कुछ पता नहीं है, मगर आप लोग ने कहा था मुझसे कि आप अजमेर शरीफ में रहते हैं तो आप अजमेर शरीफ में बताएं कि हमें कि वहाँ पर नाइट कर्फ्यू चल रहा है नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल अजमेर शरीफ में भी नाइट कर्फ्यू चल रहा है। मैं इस वक्त जो है अपनी जो छोटी मोटी केविन है शॉप है वहाँ से मैं अपनी शॉप बढ़ाकर और अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए। और आपको वैसे भी कोई जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहे होंगे, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप केवल व्हाट्सअप ही कर सकते हैं, मैसेज ही कर सकते हैं, कॉल ना करें। और आपको जितनी भी अजमेर शरीफ से जानकारी चाहिए घूमने फिरने के बारे में या कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। और मैं अब बिल्कुल ढाई दिन के झोपड़े के बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ और आगे जो यहाँ ढाई दिन के झोपड़े के यहाँ पर पार्किंग है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि यहाँ पर पार्किंग पर कितना चहल पहल है या क्या है। आपको लगभग अब जो है 7:00 में जो है 5 मिनट रह चुके हैं, यानी कि मैं 7:45 निकला था और अब जो है 7:00 में 5 मिनट हैं और मैं अपने बिल्कुल घर के बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ। आपको यहाँ से ये ढाई दिन का झोपड़ा भी दिखा देते हैं, उससे पहले ये आप देख रहे हैं जितने भी ये पार्किंग है, जब आधे दिन रहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी आवाजावाही रहती है और काफ़ी भीड़ भड़क्का यहाँ पर नज़र आता है। ये ढाई दिन के झोपड़े के ठीक नीचे की तरफ का हिस्सा है, ये सामने इमाम बड़ा नज़र आ रहा है और आपको सामने मैं जूम करके दिखाना भी चाहूँगा ढाई दिन का झोपड़ा। इससे पहले आप ये पार्किंग देख लें और ये यहाँ पर जो इमाम बारगाह है इमाम अली मकाम की, वो बारगाह है यहाँ पर जिसको अताई चौक भी कहते हैं। और मैं अब आपको यहाँ से जूम करके कोशिश करता हूँ कि ये देखें आप, ये ढाई दिन के झोपड़े का मेन गेट है जो अभी बंद है क्योंकि यहाँ पर टाइम हो चुका है और यहाँ पर नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गया। तो आपको ये अजमेर शरीफ से वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, ताकि जो अजमेर शरीफ के नाइट कर्फ्यू के बारे में जानना चाहते हैं उनको भी जानकारी मिल जाए। और ये कब तक चलेगा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप लोगों ने कहा था इसलिए मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर करा। अल्लाह हाफिज़।